भाई यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट स्क्रीन बेटा, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पूरी पूरी साफ, इसको स्क्रीन माननी है। ये स्क्रीन और ऑब्जेक्ट अपना बिल्कुल फिक्स है। ये लेंस जिसको अपन मूव कर सकते हैं, और मूव भी कैसे, लेफ्ट और राइट ही, बस लेफ्ट और राइट इसको मूव कर सकते हो। और बेटा ये जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच टोटल डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कैपिटल डी। अब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर समझना। इस लेंस को मान लो कि अभी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक रखा हुआ है, अब इस लेंस को धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ मूव कर रहा हूँ। अगर मैं इसको स्क्रीन की तरफ मूव करूंगा तो मेरे को चेक करना है कितनी पोजीशन पर, जब ये लेंस मूव कर रहा है तो कितनी पोजीशन पर इस स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की परफेक्ट इमेज बनी। परफेक्ट इमेज मतलब बिल्कुल क्लियर, कोई ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए। बेटा जैसे अपन एफएम की बात करें तो जब आपने बोला था कि एफएम ट्यून करना है तो क्या अपन देखते हैं कि 92.7 है। जैसे मान लो ट्यून करना है तो मैं धीरे नॉब को धीरे गोल गोल घुमाता हूं तो क्या 92.6 पे आके मेरे को हल्की हल्की सी आवाज चालू हो जाती है आना, पर क्या वो जो आवाज क्लियर हो जाएगी नहीं, अपन हल्का सा और करते हैं तो 92.7 परफेक्ट मिल जाएगी। पर अपना मन सोचता है कि और देखते हैं फिर 92.8 पर आवाज अभी परफेक्ट नहीं, तो परफेक्ट आवाज थी 92.7 पे, तो वो जो पोजीशन आई उस पॉइंट को अपने नोटिस करना है। ऐसे ही काम अपने को लेंस पे करना है कि जिस पॉइंट पे क्लियर इमेज बन जाएगी वहां रुक जाओ। तो अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि कितनी पोजीशंस पर मुझे परफेक्ट इमेज मिलेगी इस डी के अंदर। तो बेटा मैंने क्या करा, इस लेंस को ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करना चालू कर दिया। तो क्या मैं शिफ्ट करूंगा तो ये यू चेंज होगा, यू पहले छोटा था धीरे बढ़ता जाएगा, यू चेंज होगा तो ये वी भी चेंज होगा, बिकॉज वी कॉन्फ्रेंस होता है इस ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन डिस्टेंस, बिकॉज स्क्रीन क्या बनेगी इमेज, कौन सी इमेज, रियल इमेज। तो यहां पर मैं वही चीज चेक कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा 1/f = 1/v - 1/u, क्या ये यू नेगेटिव होगा तो मैंने यहां पर नेगेटिव रख दिया, ये भी कैसा होगा पॉजिटिव, डी माइनस यू पॉजिटिव रख दिया। एलसीएम लिया सॉल्व करा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी u² - du + df। याद करो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -b + √(b²-4ac)/2a, उस फॉर्म में बेटा मैंने इसको लिख दिया। ये जो आंसर आए कि यू के कितने आंसर है, दो, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो ये जो दो आंसर आए हैं मैं इसके बारे में डील कर रहा हूं। तो इसका मतलब यू के मैक्सिमम कितने आंसर पॉसिबल है, दो, दो आंसर मैक्सिमम बोला मैंने, कि यू के मैक्सिमम कितने आंसर पॉसिबल है, दो। इसका मतलब जब इस लेंस को मूव करोगे तो मैक्सिमम दो पोजीशंस के लिए ही परफेक्ट इमेज आ सकती है। अब उसको मैं कैसे प्रूव करा, देखो क्या ये अंदर जो डिस्क्रिमिनेटर d²-4df इसकी बात कर रहा हूं, ये वैल्यू अंडर रूट में है, इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। अगर ये नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी टर्म्स आएगी जिसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या माना कि d²-4df मोर देन 0, ये मोर देन 0 कब होगा, तो मैं इस टर्म को राइट साइड ले आया, डी डी को कैंसिल कर दिया, आंसर आया d मोर देन 4f। इसका मतलब जब भी ये d फोकल लेंथ के 4 गुना से बड़ा होगा उस केस में ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी। अगर ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी तो यू के कितने आंसर आएंगे, यू के दो आंसर आएंगे, डी प्लस ये टर्म अपॉन 2, दूसरी डी माइनस ये टर्म अपॉन 2। तो इसका मतलब फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस परफेक्ट इमेजेस फॉर्म, तब जब डी होगी 4f से बड़ी। मान लेते हैं कि ये पूरी टर्म जीरो होगी तो मैं d²-4df = 0, ये जीरो कब आएगी, इसको राइट साइड लिया जब डी की वैल्यू किसके बराबर हो, 4f के बराबर। तो अगर ये टर्म जीरो होगी तो मैंने इसको जीरो कर दिया, जीरो करने के बाद यू के कितने आंसर आएंगे, ओनली डी/2, एक ही आंसर आएगा। तो मैं कहेगा फॉर वन पोजीशन ऑफ लेंस परफेक्ट इमेजेस फॉर्म। और बेटा याद करो ये d = 4f कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता था तो इमेज का वैल्यू 2f पर, क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, 4f, किसके बीच का, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। तो एक पोजीशन के लिए ही परफेक्ट इमेज बनेगी अगर डी की वैल्यू 4f के बराबर हुई। नेक्स्ट अगर डी की वैल्यू लेस देन 4f होगी, ये कब होगी, जब d²-4df ये टर्म, ये टर्म लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव हो गई अंडर रूट के अंदर तो एक इमेजिनरी टर्म बनेगी, तो उस केस में कोई परफेक्ट इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो परफेक्ट इमेजेस कब कब बन सकती है, दो कंडीशन बन सकती है, या तो डी की वैल्यू 4f से बड़ी हो या डी की वैल्यू 4f के बराबर हो। पर अगर डी की वैल्यू लेस देन 4f हो गई तो परफेक्ट इमेज कभी फॉर्म नहीं होगी, चाहे लेंस को कितना भी आगे पीछे मूव कर लो। तो आंसर याद रखना आपको कि डी की वैल्यू 4f से बड़ी या इक्वल टू 4f, ये परफेक्ट इमेजेस फॉर्म होती है। तो अपने डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखा कि जब भी डी की वैल्यू मोर देन 4f इक्वल टू 4f है तो परफेक्ट इमेज बनती है। अब मान लो मैं कह रहा हूं डी इक्वल टू 4f था तो कितनी परफेक्ट इमेज बनी, एक बार। तो अगर एक बार परफेक्ट इमेज बनती है तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि भाई डी की वैल्यू 4f के बराबर है, और तुमसे पूछे f कितना होगा तो f बोलोगे d/4 है। तो मान लो दो बार परफेक्ट इमेज बनती है तो दो बार परफेक्ट इमेज कब बनती है, जब डी की वैल्यू 4f से क्या हो, बड़ी हो। अब मुझसे पूछा जाए कि बताओ f की वैल्यू फोकल लेंथ क्या होगी लेंस के अंदर, वो अननोन है मेरे, तो अपन कैसे ढूंढ सकते हैं, समझो बेटा मैंने ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, स्क्रीन फिक्स कर दी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल d जो कि 4f से बड़ा है। अब मैं कह रहा हूं कि इनिशियल लेंस यहां पर है, तो जब मैं इनिशियल लेंस यहां पर क्या होगा u1, ये क्या होगा v1। कुछ देर बाद जब मैं लेंस को आगे मूव करा मेरे को एक और परफेक्ट इमेज मिल गई इस पोजीशन पर, तो क्या इस पोजीशन के लिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या ये u2 होगा, और ये वाला डिस्टेंस होगा ये क्या होगा v2 होगा। इसका मतलब मुझे दो बार परफेक्ट इमेज की पोजीशन लेगी लेंस की, वो कब कब, जब d की वैल्यू क्या होगी मोर देन 4f। अब अपने को कुछ देर पहले अपने डेरिवेशन क्या था, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, वहां मैंने u की दो वैल्यू निकाली प्लस माइनस लगा था बीच में, तो मैंने दोनों वैल्यू क्या लिया, u1 d - √(d²-4df)/2, u2 d + √(d²-4df)/2। अब बेटा जो मैंने लिखा है इस इक्वेशन को ढंग से देखना, क्या u1 तो वो वैल्यू जो छोटी है इसके बीच में कैसा आ गया माइनस, u2 वो वैल्यू जो बड़ी है इसके बीच में आ गया प्लस। डायग्राम से भी आप देख सकते हो मैंने u2 को बड़ा माना है, u1 कैसा है छोटा है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं u2 और u1 को, तो मुझे वो डिस्टेंस मिल जाएगा जितना लेंस डिस्प्लेस हुआ है, इसको लिख दिया बेटा x, कि लेंस दो परफेक्ट पोजीशन के बीच में कितना डिस्प्लेस हुआ उसको मैंने लिख दिया x। तो क्या ये x किसके बराबर होगा, u2 - u1, क्या u2 - u1 x के बराबर आएगा, अगर x के बराबर आएगा तो मैंने लिख दिया x = u2 - 1। बेटा अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो क्या आंसर आएगा, √(d²-4df) - 1 ही आएगा। बेटा मैंने दोनों से स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर करने पर आया d²-4df = x², बेटा x² को ले लियो 4d को नीचे ले जाओ, तो f क्या बनेगा d²-x² / 4d। इसका मतलब अगर मेरे को कैपिटल d की वैल्यू मिल जाए और लेंस कितना डिस्प्लेस हुआ वो अपन चेक कर ले, तो उस केस में अपन फोकल लेंथ भी ढूंढ सकते हैं। अब यहां पर मैं एक बार समझा रहा हूं, ध्यान देना, क्या ये जो v1 है ये d - u1 है, तो एक काम करते हैं इस u1 की वैल्यू मालूम है, मैं v1 निकालता हूं, v1 क्या होगा d - u1, क्या ये पूरा u1 यहां लिख देता हूं और d से माइनस करता हूं, बताओ माइनस करने के बाद क्या आएगा, मैं सॉल्व कर लूं, आंसर कैसा आएगा d/2 √(d²-4df), ऐसा बचाएगा। सिमिलरली अगर मुझे v2 निकालना हो तो v2 क्या आएगा, क्या ये v2 भी d - u2 होगा, तो मैं u2 को d में माइनस करता हूं, d - u2, ये u2 पूरा माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा d/2 √(d²-4df)/2, ऐसे कोई टर्म आ जाएगी बेटा। अगर ये ऐसी टर्म आ चुकी है तो आप खुद सोचो क्या इसका v1 u2 जैसा है और इसका u1 v2 जैसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो u1 है ये v2 के बराबर है और ये जो v1 है ये u2 के बराबर है, इसका मतलब इसका u दूसरे वाले के v हो गया, इसका v दूसरे वाले के u हो गया। तो यहां से अपन क्या बात समझे, यहां से अपन इतनी सी बात समझे कि एक का v1 दूसरे का u है और दूसरे का v पहले वाले का u है, तो इसका v1 = u2 एंड सिमिलरली v2 = u1। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं मैग्नीफिकेशन की, क्या मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो
पहले सिनेरियो में जब लेंस यहां था तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा v1 / u1 और दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू h1 / h2। मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट के पास कोई हाइट होती, यहां लिखता हूं ऑब्जेक्ट के पास कोई हाइट है h0 और अपन कह रहे हैं कि जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी h1। इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट u1 डिस्टेंस पर है तो बेटा इस कंडीशन में जब लेंस यहां पर था क्या v बड़ा है u छोटा है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी। m2 मैं बात कर रहा हूं इस सिनेरियो की, इस सिनेरियो में v छोटा है u बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन होगा v2 / u2 दैट इज इक्वल्स टू h2 / h1 ऐसा सब चाहिए। तो यहां से मैं अलग अलग कंक्लूजन लिख रहा हूं। ये बताओ इस सिनेरियो में h2 कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा या ऑब्जेक्ट से छोटा? आंसर होगा ऑब्जेक्ट से छोटा बिकॉज़ v2 / u2 लेस देन 1 आएगा। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। अब अगर मैं सिर्फ इन चारों टर्म्स को देखूं, अभी इन दोनों देखा बेटा इन चारों को देखूं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं m1 * m2 कैसे आएगा v1 * v2 / u2। सोचो u2 किसके बराबर v1 कैसे हो गया, v2 किसके बराबर u1 कैसे हो गया, क्या बचेगा बेटा 1। इसका यहां से आएगी m1 * m2 इसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट अगर मैं इन दोनों को भूल जाऊं और इन दोनों को देखूं तो क्या लिखूंगा m1 * m2 equals to hi1 / ho * hi2 / ho। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वन होगा? अगर इनका मल्टीप्लिकेशन वन हो गया तो इन एचओ का रिजल्ट तो क्या बन जाएगा hi1 * hi2 equals to ho * ho। बेटा सर याद करने का तरीका है डजन कैसे आता है ही को तो वही आंसर आपका आया है। और सेम टू सेम अगर आप देखो ho is equal to under root of hi1 hi2 तो आपको कौन-कौन से आंसर याद रखने हैं एक बार मैं क्विकली बोल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने क्या क्या पढ़ा, पहली बात याद रखनी है जब d की वैल्यू 4f से बड़ी हो या इक्वल टू 4f हो तब परफेक्ट इमेज बनती है। जब मोर देन 4f होगा दो बार परफेक्ट इमेज बनेगी, इक्वल टू 4f होगा तो एक बार परफेक्ट इमेज बनेगी। नेक्स्ट बात याद रखनी है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बराबर d² / 6² / 4d। x क्या दोनों परफेक्ट इमेजेस के बीच के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। नेक्स्ट क्या रखना है m1 * m2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर 1 के बराबर और नेक्स्ट क्या रखना है ho is equal to under root of hi1 hi2। तो बच्चा जो भी अपने डिस्प्लेसमेंट मेथड दिखा उसके ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस प्लेस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स सो दैट परफेक्ट इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज 30 सेंटीमीटर। बेटा यहां पर ये नहीं बताया कि परफेक्ट इमेज कितनी बन रही है, एक बार या दो बार, बस इतना बोला है परफेक्ट इमेज बन रही है। तो बताओ पॉसिबल फोकल लेंथ क्या है? तो मैं इस बार बोलूंगा कि परफेक्ट इमेज जब भी बनती है जब d की वैल्यू या तो लेस देन या सॉरी d की वैल्यू मोर देन या इक्वल टू 4f। अगर d की वैल्यू मोर देन या इक्वल टू 4f होगी तभी कैसे परफेक्ट इमेज बनती है। तो बताओ f की वैल्यू क्या होगी, f शुड बी लेस देन इक्वल टू d / 4 ऐसा हो जाएगा। और d कितना, d देखा 30/4। इसका मतलब f की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर उस केस में ही परफेक्ट इमेज बनेगी क्योंकि d की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या होगा, या तो f के लिए 7.5 सेंटीमीटर हो या उससे छोटी हो। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 90 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस बिटवीन टू पोजीशन व्हेन परफेक्ट इमेज इज फॉर्म इज 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेजेस फॉर्म आर 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा अपने को फोकल लेंथ का फॉर्मूला d² / 4d। तो क्या लिखेंगे, d की वैल्यू 90 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 4d 4 * 90। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, या तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर वो से करते हैं तो a प्लस b और a माइनस b 120 और कितना जाएगा 60, नीचे कितना जाएगा 4 * 90। तो या तो ये तरीका सॉल्व करेगा तो इसमें कैंसिल करते जाओ तो कितना हो गया 3 * 60 9 या कितना हो गया 40 और ये 4 से कितना गया 10 तो आंसर कितना गया 20 सेंटीमीटर। ये कहां गया बेटा फोकल लेंथ का। सिमिलरली मुझे h ढूंढना है, h बराबर क्या था अंडर रूट ऑफ hi1 hi2 तो यहां पर लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ hi1 4 * 9 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाइट कितनी बेटा 6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो ध्यान रखना सिर्फ बेसिक फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूले से आपका सारा काम आराम से हो जाएगा। बच्चा नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर, क्या होती पावर, एबिलिटी ऑफ लेंस मिरर कर्व सरफेस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। भाई अपने को मालूम है जब कभी किसी इंसान के आईज में कोई डिफेक्ट आता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया तो उसके उसके स्पेक्ट्रम जाते हैं स्पेक्ट्रम से जाते हैं तो वो स्पेक्ट्रम की पावर हमेशा ऑप्टिशियन या डॉक्टर कुछ को लिखते हैं। अगर तुम नोटिस कराओ तो उस पावर के साथ वो प्लस माइनस और पीछे डी वर्ड लिखते हैं तो वो क्या होता है समझ रहे हैं पावर की डैप्टर रिप्रेजेंट बाय डी। ये डैप्टर तभी डिफाइंड होंगे जब जो फोकल लेंथ हो या सारे जो भी अपन वर्ड यूज कर रहे हैं या जो भी अपन यूज कर रहे हैं उसके लिए ऐसा फॉर्म में मतलब मीटर होगी। अगर फोकल लेंथ की बात करें कैसे होगी मीटर में होगी। पावर पॉजिटिव टू कन्वर्जिंग नेगेटिव टू डाइवर्जिंग पावर ऑफ अ कर्व रिफ्लेक्शन सरफेस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो किसी भी कर्व रिफ्लेक्शन सरफेस की पावर क्या होगी वो देखो। अब बच्चा ध्यान देने की बात है, अपन ने जैसे पढ़ा हुआ है अगर आपने को ध्यान हो कि अपन 1/f लिखते हैं पावर तो मैं उसी चीज को समझा रहा हूं। मान लो कोई लेंस है उस लेंस का लाइट यहां पर सीधा आ रही है वो लाइट या तो ऐसे पहुंच सकती है, अगर ऐसा ही कौन लेंस वापस का मटेरियल कुछ और है तो लाइट जाके इतना दूर जाके पहुंच सकती है। तो जो लाइट पैरेलल आ रही है इस केस में फोकल लेंथ बड़ी है इस केस में फोकल लेंथ छोटी है तो कौन से लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है ये अपन चेक करना है। तो क्या इस केस में लाइट ज्यादा कन्वर्ज हुई और इस केस में लाइट कम कन्वर्ज हुई, इसका मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की एबिलिटी को अपन पावर कहते हैं। इसका मतलब इस लेंस की पावर ज्यादा है और इस लेंस की पावर कम है। साथ के साथ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है जिस लाइट जा रही है। इसका मतलब पावर दो चीज डिपेंड करती है, एक तो उस लेंस की फोकल लेंथ या और साथ साथ जो मीडियम है जिस लाइट रे जा रही है। तो उसी चीज को देखते हुए जो पावर है किसी भी कर्व सरफेस की बेटा जो पावर होती है वो है μ2 - μ1 / r। μ2 वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिस लाइट जा रही है, μ1 वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जहां लाइट आ रही है और r क्या होगा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान रखना ये जो एस्टिमेट मैंने बात करा है इसका मतलब साइन कन्वेंशन को यूज करना है। तो यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पास समझ में आ जाए मेरी इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका r 10 सेंटीमीटर मान लिया, ये μ1.5 और ये μ1। अब मैंने बोला इस कर्व सरफेस की पावर फाइंड कर, अब बोलोगे सर आपने बताया लाइट कहां से आ रही है तो एक काम करते हैं कि लाइट अपन पहले यहां से मान लेते हैं। तो बताओ इस केस के लिए पावर का फार्मूला क्या लिखूंगा, μ2 1.5 - μ1 जहां से आ रही है 1 / r। क्या इस सरफेस का ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर राइट साइड होगा और इसके पोल से वो सेंटर भी राइट साइड होगा, कहने का मतलब है इंसिडेंट भी राइट साइड पोल से सेंटर भी राइट साइड के दोनों सेम डायरेक्शन में तो कैसा पता चलेगा पॉजिटिव। तो क्या यहां पर आएगा प्लस 10। अब बेटा देखो 10 किसमें था सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में करोगे तो क्या जाएगा 100 बिकॉज़ डिवाइड बाय 100 करोगे तो पाई क्या जाएगा इनटू जाएगा। तो यहां पर क्या बचा पावर इक्वल्स टू क्या है 0.5 1/20 * 100 कितना आंसर आया बच्चा प्लस 5 डायोप्टर। इसका मतलब ये कर्व सरफेस
कि पावर 5 एडाप्टर है, पॉजिटिव का मतलब कन्वर्जिंग है, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। आप बोलोगे सर अगर मैं इसका उल्टा मान लेता कि जो लाइट है वो लाइट अंदर से आ रही होती, तो अपन कुछ ऐसा केस मान लेते हैं कि भाई लाइट जो है वो अंदर से आ रही है। तो आप मन में सोचिए, बताओ डेटा सारे सेम है, यहां का म्यू 1.5, यहां का म्यू 1 और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। आप सोचिए पास की पावर क्या है, कि आप मन में ख्याल -5 एडाप्टर आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो चेक करो कि आपका आंसर मेरे आंसर मैच करता है या नहीं करता। क्या यहां पर जो पावर आएगी वो म्यू टू कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि लाइट 1 में जा रही है, -μ1 बाय आर। चेक करो जिसका आर होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्या ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर राइट साइड है, और ये जो लाइट आ रही है ये लेफ्ट साइड आ रही है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहां पर आएगा -10 और बेटा इनटू 100 सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये डिवाइड बाय 100 हुआ, ऊपर गया तो क्या इनटू हो गया, तो यहां पर अपने पावर का आंसर कितना आया, अगेन +5 डायोप्टर। इससे अपन क्या बात सीखे कि कोई भी कर्व सरफेस में चाहे लाइट एंटर करे या अंदर से बाहर आए, उस कर्व सरफेस की पावर कैसे होगी, फिक्स होगी। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस है तो दोनों साइड से कैसे सरफेस बेटा कर्व सरफेस है, ऐसा माइनस हो गया अपन, इसका रेडियस अपन चला रहा है, इसका रेडियस अपन चला r2। बाहर का मीडियम μm जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अंदर का μl जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब सोचो जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो लाइट कितनी बार कन्वर्ज डाइवर्ज होगी, एक बार तो ये सरफेस करेगी एंटर करते वक्त और एक बार दूसरी सरफेस करेगी एग्जिट करते वक्त, इसका पावर मुझे दो बार काउंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए दिया पावर इक्वल टू p1 p2 दोनों सरफेस का। अब बेटा मैं यहां पर फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बना रहा हूं, तो कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो लाइट अंदर से सॉरी बाहर से अंदर आई, क्या λ2 μ2 वाला μl -μm r1 μl सरफेस। दूसरा ये अब लाइट अंदर से बाहर जाएगी तो μm -μl r2। बेटा कैसे हुआ, वापस बोलो, लाइट यहां से अंदर आई फिर अंदर से बाहर गई, तो क्या दो बार मैंने पहले देखी, दोनों में से मैंने μl -μm कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1/r1, यहां बेटा ये उल्टा लिखा हुआ था, इसे मैंने -μm -1/r2। अब ये जो टर्म आई है क्या कुछ देख देख सी लग रही है, एग्जैक्ट नहीं बेटा, तो आप याद होगा तो अपने कोई लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, पर उसके फॉर्मूला था μl -μm, तो एक काम करते वैसा फॉर्मूला बनाने के लिए मैं यहां से μm को कॉमन लेता हूं, जब मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, p इक्वल्स टू μm μl -μm -1/r1 -1/r2। बेटा ये μm तो ऐसा कैसे आ गया, ये पूरी टर्म क्या बन गई, 1/f, मतलब 1 ऑन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी उस मीडियम में जो मीडियम का सराउंडिंग है, मतलब मैंने यहां fm, fm का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन दैट मीडियम से प्रेजेंट है, तो क्या इसको इसका μm / fm, मैंने एस्टेरिस्क मार्क करा है, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, फोकल लेंथ के अंदर लेंस कन्वर्जिंग का पॉजिटिव, डाइवर्जिंग का नेगेटिव, इसे मैंने एस्टेरिस्क मार्क करा है। इफ मीडियम आउटसाइड इज एयर, अगर बाहर का मीडियम एयर होता तो ऊपर मीडियम कितना होता, 1 बिकॉज़ मीडियम है, और ये फोकल लेंथ भी उस लेंस की हवा में ही होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, हवा में। पावर ऑफ स्लैब, मान लो स्लैब की पावर पूछते हैं, क्या ये वाली सरफेस आर इनफिनिटी, इस वाली स्लैब का जो आर होगा वो कैसा होगा, इनफिनिटी होगा, तो दोनों साइड्स का आर इनफिनिटी है, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं यही फॉर्मूला यूज करता तो क्या यहां पर जो आर आर2 है दोनों इनफिनिटी इनफिनिटी होंगे, तो इसका मतलब दोनों इनफिनिटी है तो पावर कैसे होगी, 0, मतलब सीधे आ रही हो सीधे आ रही है, न तो कन्वर्ज होगी न ही डाइवर्ज होगी, इसका मतलब इसकी फोकल कैसी है, इनफिनिटी। तो देखा बेटा पावर ऑफ मिरर, अगर कोई मिरर एम रखा हुआ है, इन दैट केस स्फेरिकल मिरर की पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ एफ है, वो पावर होगी -1/f, और एफ के जब भी वैल्यू रखेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। बेटा मैंने आगे माइनस क्यों लगाया, उसका रीजन आगे एग्जांपल में देखते हैं। और अगर आपको याद हो तो मिरर के अंदर जो एफ होता था वो r/2 के बराबर आया था, तो जो एफ की वैल्यू r/2 होगी तो मैंने यहां पर r/2 रख दिया, तो पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, -2/r, ठीक है, तो या तो 1/2 या फिर 2/r। अब ध्यान रखना कि एफ और आर किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में ऑब्वियसली बात आर कैसा होगा बेटा, इनफिनिटी, तो पावर कैसे होगी, 0, इसका मतलब ये जो भी पैरेलल रेज आएंगी, जो रेज बिल्कुल पैरेलल आएंगी, उनको ना कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्ज करेगा, इससे पावर कैसे होगी बेटा, 0। अब एग्जांपल की बात करूं कि मैंने माइनस क्यों पुट करा, फॉर एग्जांपल ये कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर, अब क्या कॉनकेव जो मिरर है इस कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, याद करो जब रेज बिल्कुल पैरेलल आती है तो क्या आके वो 1.5 मिलीमीटर फोकस साइड में जाती है, तो बताओ यहां पर रेज कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब इसकी पावर मुझे कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब इस कॉनकेव मिरर की पावर पॉजिटिव आनी चाहिए तो देखो मैंने क्या करा, इसकी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो मैं आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, पर इसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है चेक करूं, क्या लाइट आ रही है राइट साइड, लेफ्ट से राइट जा रही है, और इसके पोल से सेंटर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका आर कैसा होगा, नेगेटिव, इसका मतलब यहां पर आर की वैल्यू कर दी -10, तो देखो मैंने लिखा -2/-10 (200/200), क्योंकि जब आर सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, वो ऊपर ही का जाएगा मल्टीप्लाई, तो इनटू का वैल्यू 100, सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया +20 डायरेक्ट, तो क्या आंसर पावर का प्लस नहीं आया, बिकॉज़ ये क्या करता था, कन्वर्जिंग, तो अगर मैं यहां पर साइन यूज नहीं करता, माइनस यहां पर माइनस यूज नहीं करता, तो ये आंसर नेगेटिव आता, और ये कैसा शो करता, डाइवर्जिंग शो करता, जो कि गलत होता, इसलिए अपने माइनस क्यों लगाया, ताकि आपके आंसर साइन कन्वर्जन यूज करने के बाद परफेक्ट आए। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 10, इसमें मुझे फोकल लेंथ दे रखी है, तो मैं वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, क्या कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्या दिया +1 -1 × 100 क्यों सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए, और आंसर कितना आया -10, इसका मतलब ये वाला जो मिरर है ये राइट का डाइवर्ज करेगा। तो बच्चा अब देखा फाइंड पावर ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज, अब पावर फाइंड करेंगे, एक क्वेश्चन आपको करके समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, ये जो लेंस है इस लेंस के अंदर का जो मीडियम है वो 2 है, μ = 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर का μ 1.5, इधर का बाहर का μ 1.5, और r इसका 10 सेंटीमीटर, लगा भी 10 सेंटीमीटर। अब बेटा सॉल्व करने के दो तरीके, या तो अपने जो डेरिवेशन फाइंड आउट करा था, या तो वैसा वैसा सॉल्व करो, या फिर जो अपना आंसर आया था उसका पॉइंट सॉल्व करो, मैं दोनों तरीके आपको समझा रहा हूं। देखो पहला तरीका, क्या लाइट की बात करें, लाइट सबसे पहले यहां एंटर करेगी और यहां के बाद बाहर जाएगी, तो कितनी बार कर्व सरफेस यूज हुई, 2 बार, एक बार एंटर करते वक्त और एक बार एग्जिट करते वक्त, तो पावर बराबर p1 p2। अब लाइट बेटा बाहर से अंदर जा रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, μ2 -μ1/r, μ2 कितना 2 -μ1/r, r कैसा होगा +10। अब लाइट बेटा अंदर से बाहर जा रही है, तो μ2 1.5 -2/r, बेटा सोच के देखो ये सरफेस का r कैसा होगा, क्या लाइट इधर आ रही है, राइट साइड जा रही है, और इस सरफेस का सेंटर है लेफ्ट साइड इसके पोल से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो इसका r लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, तो μ2 1.5 जिसमें लाइट जा रही है, कहां से आ रही थी, 2 से, -2/-10। बेटा मैंने 200 क्यों कर दिया, बिकॉज़ यहां पर भी 10/100 होगा, यहां पर भी 10/100 होगा, दोनों के 100 होंगे, कॉमन ले लिया, तो क्या लिया 200, क्या बचा बेटा 1/20 +1/20 × 100, सॉल्व करने पे आ गया +10 डायोप्टर, इसका मतलब ये लेंस कन्वर्ज करेगा और इसकी पावर है +10 डायोप्टर। अब बेटा दूसरा तरीका, याद करो फॉर्मूला था μm / fm इक्वल्स टू पावर, तो क्या मुझे fm निकालना पड़ेगा, fm मतलब फ्रीक्वेंसी, सॉरी fm का मतलब फोकल लेंथ किसमें, उस मीडियम के अंदर, तो क्या फोकल लेंथ उस मीडियम के अंदर बोला है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1/fm 2/1.5 माइनस, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो 1/fm इक्वल टू 2/1.5 -1 1/10 +1/10, तो क्या यहां पर 1/fm इक्वल्स टू, सॉल्व करा कौन सा कितना है 1/15, तो fm कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हुआ, पर मैंने क्या लिखा था, पावर इक्वल्स टू μm / fm, μm की वैल्यू 1.5, fm की वैल्यू 15 * 100, तो यहां पर जो आंसर आया वापस +10 डायरेक्ट आया, तो या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लो या फिर इस मेथड से सॉल्व कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा सॉल्व कर सकते हो, पर ध्यान देना जो भी आपको मेथड सूटेबल लगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया बेटा, मैंने सब कोई सॉल्यूशन लिखा ताकि आप स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, आपकी जो अच्छा हो उस मेथड से करो, अगर ये मेथड यूज करते हो तो μm / fm लिखना मत भूलना। अब बेटा इसका सॉल्यूशन लिखूं, तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होगा वो सेम तो लिख रहा हूं, सबसे पहले लाइट यहां से जाएगी अंदर से बाहर जाएगी, तो 2 -1/-10 × 100,
दूसरा क्या यहाँ पर लाइट अब अंदर से बाहर जाएगी, तो 1 - 2 upon +20 into 100, तो बेटा दोनों का मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पर 1 - 1/10, यहाँ पर क्या बचेगा -1/20 और into 100, क्या यहाँ से P equals to, नीचे L से कितना है 20 - 2 - 1 into 100, तो बेटा क्या 5 * 5 = 15 - 15 ये अपना आंसर होगा। अगर आप चाहे तो आप इसको उस तरीके से सॉल्व करें जैसे अपने ये वाला सॉल्व करें, और जब सॉल्व करेंगे तो उस केस में म्यू एम बाय एफ एम जब भी लिखोगे तो यहाँ भाग का म्यू एम कितना है 1 है, तो उस टाइम पर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बोलोगे तो अपन इसको आप सब भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा 1/FM म्यू एम, म्यू एम 1, म्यू एल 2, तो 2/1 - 1, 2/1 - 1, 1/R1 - 1/10 प्लस 20 होगा R2 की वैल्यू, तो -1/20, और यहाँ पर 1/FM कितना बचा, ये बचा 1 बचा बेटा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा -3/20, और -3/20 का 1/FM हो गया, और पावर का फॉर्मूला क्या होगा 1/FM होगा बिकॉज म्यू की वैल्यू कितनी जाएगी 1 जाएगी, पर इनटू 100 करना पड़ेगा किसके लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो पावर कितनी आएगी -15 डायोप्टर। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास हैज पावर +2 डायोप्टर लेयर, फाइंड इट्स पावर इफ लेंस इज प्लेस इनसाइड द वाटर। अब बेटा जब लेंस हवा में होगा तो पावर का फॉर्मूला होगा 1/फोकल लेंथ लेयर, पर जब लेंस पानी के अंदर होगा तो पावर का फॉर्मूला होगा μ(f)·φ लेंस एंड वाटर ओनली। तो बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज हमने दे रखी है, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना, ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा पावर को लेकर। तो देखो पावर है +2 डायोप्टर किसमें, एयर में, और एयर फॉर्मूला है 1/F, तो क्या मैं लिखता हूं F = ½ मीटर इन एयर। अब मुझे मालूम है एयर में फोकल का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, लेंस का 1/F 1.5 3/2 / 1.5 μ/μm - 1 1/R1 - 1/R2, ये F किसमें, एयर में। सिमिलरली अगर लेंस किसी वाटर वाले मीडियम से जाता है तो F इन वाटर 1.5 upon 4/3 - 1 1/R1 - 1/R2, मैंने दोनों डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आएगा F ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 times F of air। यहाँ करो ऐसा कोई क्वेश्चन पहले भी करा हुआ है, अगर आपको आंसर याद है तो आप किस स्टेप्स का जवाब नहीं है। तो यहाँ पर F of water कितना आएगा, 4 गुना आएगा किसका, एयर का, कितना हो जाएगा 2 मीटर। अब मेरे को पावर निकालनी है, पावर किसमें, वाटर मीडियम में, अगर वाटर मीडियम में पावर निकालनी है किसकी, लेंस की, तो म्यू इन वाटर म्यू ऑफ वाटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, कितना हो जाएगा 4/3 upon 2, तो आंसर आएगा +2/3 डायोप्टर। तो बेटा ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फोकल लेंथ जो पहले एयर में थी उसमें वाटर में कन्वर्ट करा। तो बेटा आप देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर लेंसेज कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस एक साथ जुड़ के रखे हुए हैं तो उस केस में जो नेट पावर होगी वो नेट पावर उनका एडिशन होगी। तो बेटा इन क्वेश्चन के वापस आप वही अज्यूम करें जैसे अपने स्लैब और मिरर के केस में देखा था, या तो एक स्लैब का क्वेश्चन था नॉर्मल शेप में, पीछे सिल्वरिंग मुड़ी थी, क्या मान लिया था स्लैब और मिरर के बीच मामूली सा एयर गैप है, तो बेटा वही का वही मान के चला है कि यहां पूरा बाहर आउटसाइड मेंबर के साथ एयर का, इन सबके बीच मामूली सा एयर गैप है, तो उस टाइम पर इस लेंस के दो साइड एयर होगी, इसके भी दो साइड एयर होगी, इसके भी दो साइड एयर होगी, इसका मतलब आपके मन में ऐसा लगना चाहिए पहला लेंस दूसरा लेंस और तीसरा लेंस, और तीनों इन सबके बीच मामूली सा एयर गैप, तो उस कंडीशन में पहले लेंस की पावर P1 है, दूसरी पावर P2 है, तीसरी पावर P3 है, तो टोटल पावर क्या होगी तीनों का एडिशन। अब बोलोगे सर ये तो कॉन्वेक्स है कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, इसका मतलब दो तो कन्वर्ज किए और एक डाइवर्ज किए, तो बेटा जब भी इसको आप पुट करोगे साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे, मान लो ये 2 डायोप्टर है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप कहोगे +2 - 3 + 4, ये अपन नेट पावर होगी। सिमिलरली ये जो फोकल लेंथ आई है, ये फोकल लेंथ ये मान के आई है कि आज बाजू क्या है एयर है, तो पावर इसका 1/F equivalent, P1 क्या हो गया 1/F1, P2 क्या हो गया 1/F2, P3 क्या हो गया 1/F3, मान लो डायरेक्टली फोकल लेंथ ही देखिए तो आप इस फॉर्मूले में सकते हो वापस के साथ साइन कन्वेंशन के साथ, कॉन्केव का होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स का होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब बेटा मान लो पूछा गया नेट मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो पहले लेंस से जो मैग्नीफिकेशन आया, दूसरे जो आया, तीसरे जो आया, तीनों के मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा मैग्नीफिकेशन लेकर कभी डरना मत, चाहे लेंस पास हो या दूर हो, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा नेक्स्ट केस, मान लो दो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से डिस्टेंस दूर है, अब पूछा नेट पावर क्या होगी, तो आंसर होगा P = P1 + P2 - D P1 P2, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी 1/F equivalent 1/F1 + 1/F2 - D F1 F2। बेटा डी तो ऊपर का ऊपर ही है, बेटा ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तब तक ही वैलिड है जब तक दोनों लेंस कैसे हो कॉन्वेक्स, ये उस टाइम वैलिड नहीं है जब एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव हो जाए या फिर दोनों कॉन्केव हो जाए, तो ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है जब तक दोनों लेंस कैसे कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ वैसे पॉजिटिव होगी, पावर भी पॉजिटिव होगी, इससे आप साइन कन्वेंशन कोई दिक्कत नहीं आती है। बेटा एक बार और ध्यान रखेंगे कि भाई यहाँ पर ये जो अपने 3 लेंस लिए हैं, 4 लेंस लिए हैं, और यहाँ पर ये जो 2 लेंस लिए हैं, यहाँ पर तो कॉन्केव यूज हो सकता है पर यहाँ पर कॉन्केव यूज नहीं होगा, तो इन बात को आप ध्यान रखते हुए ही सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड नेट पावर एंड नेट फोकल लेंथ। अब जो मैंने बोला नेट पावर और नेट फोकल लेंथ, यहाँ पर आपको सारे लेंस एक दूसरे से टच होते दिखाई दे रहे हैं, तो इस केस में नेट पावर कैसे निकालेंगे, P1 + P2 + P3 इस फॉर्म में निकालेंगे, तो अपना P equivalent कितना आएगा, P = 2 + 4 - 3, बेटा कॉन्केव लेंस है, इसकी पावर पहले से निकल दे रखी है, और बेटा ध्यान रखना ये तीनों पावर उस कंडीशन में रखी है जब इनको मानकर रखा गया कि तीनों एयर में थे, तब उनकी पावर 2, 3, 4 थी और -3 थी रेस्पेक्टिवली। अब आंसर यहाँ से कितना आएगा, आंसर आएगा 3 डायोप्टर। अब बेटा इससे एक चीज समझ रहा हूँ कि इन तीनों को हटाकर अगर मैं एक लेंस लगाना चाहता हूँ तो लेंस कौन सा होगा, क्योंकि अपना आंसर पॉजिटिव आया है 3 डायोप्टर, इसका मतलब इन तीनों को हटाकर मैं एक लेंस लगा सकता हूँ, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी पावर कितनी हो +3 डायोप्टर, तो काम वही होगा जो ये तीनों लेंस लेकर कर रहे हैं। अब मैंने लेंस ही क्यों चूज करा इन तीनों को हटाकर, क्या यहाँ से लाइट जो हो रही है वो जब लेफ्ट साइड से आएगी तो वो इन सारे रिफ्रेशन के बाद राइट साइड निकल जाएगी, इसका मतलब जब भी लाइट लेफ्ट से राइट पहुंच जाए इसका रिप्लेस कैसे करेंगे, लेंस से या स्लैब से, डिपेंड पावर कैसे आई है, अगर बेटा पावर 0 जाता है तो स्लैब से रिप्लेस करता, अगर पावर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो लेंस रिप्लेस करूंगा, अगर मान लो लाइट इधर नहीं पहुंच पाती और टकराकर वापस चल जाती तो किससे रिप्लेस करता, मिरर से, क्योंकि मिरर तो रिबाउंड कर देता है और लेंस गो थ्रू करा देता है, उसको पास कर देता है, तो इसलिए यहां पर जो पावर है वो क्या होगी +3 डायोप्टर, तो इन तीनों को हटाकर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लगा सकता हूं जिसकी पावर +3 डायोप्टर हो, मुझे फोकल निकालनी है, तो मैंने इसको किससे रिप्लेस करा, लेंस से ना, तो पावर बराबर होता है 1/F किसके अंदर, एयर के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू F = 1/3 मीटर। बेटा मैंने थोड़ा मन में सॉल्व कर लिया कि पावर बराबर 1/F, 1/F बराबर 3, तो F कितना होगा 1/3 मीटर, ये F कौन सा बेटा, F equivalent। सिमिलरली यहां पर यहां मुझे दो F दे रखे हैं, तो पहले F इक्वल निकालते हैं, तो 1/F equivalent या 1/F net = 1/F1 + 1/F2 - D/F1F2, ये आ गया। तो बच्चा ये अपन जब लिखा नीचे कुछ एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 100, यहां कितना आएगा 10 - 2 1/F net,
तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू कितनी आई, 100/18 सेंटीमीटर। अब बेटा मुझे मालूम है कि पावर निकालने के लिए पावर क्या होता है, 1/f होता है। क्या यहाँ पर लाइट गो थ्रू होगी मतलब पास हो जाएगी या रिबाउंड हो जाएगी, पास हो जाएगी। मतलब इन दोनों घटक एक लेंस लगा सकता हूँ जिसकी नेट बोले 100/18 होगी। पावर कैसे निकालेंगे, 1/f × 100। क्यों बेटा, क्योंकि एफ सेंटीमीटर में, तो देखो लिखूंगा 1/100/18 × 100। तो आज कितना 18 डायोप्टर इक्वल्स टू पावर। बच्चा क्वेश्चन है, फाइंड एफ इक्विवेलेंट। यहाँ पर अपने को दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिए गए हैं, उन दोनों को इस प्रकार रखा है और दोनों के बीच जो स्पेस है उसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड भर दिया जिसका म्यू 1.7 है। आपको बताना इस पूरे सिस्टम का एफ इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बेटा सोचेंगे दो तरीके। तो सबसे प्राइमरी मेथड तो क्या है कि आप इन तीनों को स्प्लिट कर दो, किसमें एयर मानते हुए पहला दूसरा और ये तीसरा, ऐसा कुछ कर दिया। तो क्या यहाँ पर इसकी फोकस जो एफ आएगी, इसकी एफ आएगी, इसकी एफ आएगी, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका म्यू कितना 1.5, इसका म्यू कितना 1.7, इसका म्यू कितना 1.5, और तीनों को अपने दूर दूर करके एयर में रख दिया, मान लिया कि तीनों के बीच में मामूली सा एयर गैप है। तो इसका इधर का कितना हो गया इन्फिनिटी, इसका इधर का 20 सेंटीमीटर, ये वाला 20, ये वाला भी 20, ये वाला 20 और ये वाला इन्फिनिटी। क्या पहला और आखिरी लेंस डिटो एक जैसा है, तो इसका दोनों की फोकल कैसे होगी एक जैसी। ये मैं बोला कि सर ऐसा है, ऐसा उल्टा रखा हुआ तो फोकल चेंज होगी। बेटा क्या लेंस को उल्टा करने से क्या फोकल चेंज होगी, क्या नहीं होगी ना। तो क्या यहाँ पर पहले वाले फोकल कैसे निकाले, अपने लेंस फोकस से 1/f1 = μ(l/μm) - 1/r1 - -1/r2 और 1/f1 0.5 यहाँ से कितना है 1/20। तो बेटा यहाँ से वैल्यू आ गई 1/f1 = 1/40। और क्या यही तो 1/f3 भी है, बिकॉज वो भी जैसा ही होगा। सिमिलरली ये तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट मुझे ढूंढना इस वाले के लिए। तो 1/f2 = 1.7 - 1/r1 - 1/r2। बेटा मैंने साइन कन्वेंशन यूज करे हैं, तो कितना बचेगा 0.7 × 2/ यहाँ पर क्या बचेगा -2/10 - 2/20। तो -2/20 देखिए -1/10, तो कितना हो जाएगा 1/10 और साथ साथ -1/10। तो इसको हमें -0.7/10 ये अपना हो गया। अब मुझे निकालना है नेट 1/f net = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो क्या ये कैसा हो जाएगा, 1/f1 = 1/40 + 1/f2 = 1/f2 के लिए -0.7/10। नेक्स्ट f3, वो f3 तो बेटा f1 के बराबर 1/40। क्या यहाँ पर जो एलसीएम आया 40 आया, तो कितना बचा 1। क्या यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 28 - 2.8 + 1 - 1/f net। बेटा ये 1 प्लस 2, 2 - 2.8, तो क्या 0.8 होगा। तो f net कितना हो गया 40/0.8, इसमें माइनस में। और साथ के साथ अगर मैं को इसको सॉल्व करूँ तो आंसर कितना आएगा, ये पॉइंट हटा दो ऊपर कितना हो गया 400/8 माइनस ट्रांसिक का -8 × 40, तो -50 सेंटीमीटर। ये क्या भाई नेट फोकल लेंथ आ गई। अब बेटा मान लेते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं करना होता, तो इसका एक तरीका और है। कैसे, अपने कुछ जगह सीखा था μ2 - μ1/r, अब वो मेथड यहाँ लगा सकते हो। तो सबसे लाइट इधर से जाएगी, यहाँ बेटा इसको एयर में नहीं तोड़ना था, और उस केस को आप सॉल्व कर सकते हो। मैं अपने स्टेप देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, और दूसरा मेथड पावर इक्वल्स टू बेटा पावर आएगी, पावर करेंगे 1/2 दोगे, तो क्या जाएगा फोकल लेंथ। तो μ2 - μ1/r, सोचो इस सरफेस का आर कैसा, इन्फिनिटी, तो μ2 - μ1/r क्या वो जीरो जाएगा। तो इसका पहले सरफेस लिखना है, सेकंड सरफेस लिए 1.7 - 1.5 क्या इसका आर -20 होगा, तो -20। दूसरा लाइट अब रेड वाले से वापस इसमें जाएगी, तो क्या लिखूंगा 1.5 - 1.7 + 20। और लास्ट वाले तो वापस आ गया, हो गया इन्फिनिटी, इसका उसकी पावर क्या हो गई 0। तो लास्ट वाले की लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो अपना आंसर आया, ये कितना आया 0.2/20, यहाँ पर कितना आया 0.2/20 बेटा माइनस का रखना है। तो क्या यहाँ पर 0.2/20 - 0.20 दो राइट वाले कितना हो जाएगा 0.4/20 माइनस के साथ। और फोकल, ये फोकल क्या होगी, फोकल जो किसका होगा, तो फोकल होगी 20/0.4 माइनस। अब वापस भाई पॉइंट लगा ऊपर 0 आएगा, 200 बन जाएगा, और फोकल कितनी होगी -50 सेंटीमीटर, बिकॉज बेटा यहाँ पर 200 लिखना मिला था, यहाँ पर क्या 200 और वापस यहाँ पर 200 होगा, और ये जो आपका आंसर आएगा इसके अंदर नीचे 200 होगा, तब जाके मीटर में होगा, और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वापस अपन ऊपर इनटू कर देंगे 100 कर देंगे। तो आपका आंसर एफ इक्वल्स -50 सेंटीमीटर। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस फाइंड एफ नेट। यहाँ पर आपको एफ नेट निकालना है, इस लेंस की फोकल लेंथ एफ दे रखी है, इस लेंस की फोकल लेंथ एफ दे रखी है, इसका म्यू 1.5, इसका म्यू 1.5, और साथ के साथ बेटा एक और गिवन है कि ये जो दोनों लेंस हैं, ये दोनों लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। कौन से लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कौन कौन से, ये दोनों लेंस ही इक्वी कॉन्वेक्स है। अब बेटा इसके बीच में एक पानी भर दिया, ट्रांसपेरेंट है, म्यू 4/3। आपको पता है पानी भरने के बाद इसकी नेट फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखो सबसे पहली बात, अभी आपको जैसे दो तरीके समझाए थे, अब उन दो तरीकों का कैसे यूज करते हैं आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पर एक तरीका समझा रहा हूँ, एक आप अपने आप करोगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तो एक ये दूसरा और ये तीसरा, ये प्लस। इसकी फोकल कितनी, एफ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इसकी फोकल कितनी, एफ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसकी फोकल मिल जाए तो अपन तीनों को ऐड कर लेंगे, कैसे, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 = 1/f इक्विवेलेंट। तो बेटा इसका तो म्यू मान लो कितना 4/3। अब अगर मुझे इसके आर मिल जाते तो मैं इसकी फोकल ढूंढ लेता, पर इसके आर भी मान लो फिर को, तो अभी आर आएगी कहां से, क्या इस लेंस की ये सरफेस का जो आर होगा भाई इसका भी आर होगा। ये कैसा लेंस है, इक्विकॉन्वेक्स, ये कैसा लेंस है, इक्विकॉन्वेक्स। क्या दोनों लेंस एक जैसे हैं, अगर दोनों लेंस एक जैसे हैं इसका मतलब दोनों के आर हैं वही जैसे होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इस लेंस का मैं आर फाइंड आउट कर लेता हूं। तो कैसे कर सकता हूं, इसका म्यू मुझे मालूम है 1.5, तो मैं लिख लूं 1/f 1.5 - 1, इसका आर आर, इसका आर आर, 1/r + 1/r, क्या 1/f कितना है 1/2 × 2/r, क्या से f की वैल्यू r के बराबर आ गई। इसका मतलब इसके आर भी आर आ रहे होंगे, क्यों आ रहे होंगे बेटा, ये दोनों इक्वी कॉन्वेक्स, ये आर सबके कैसे हो गए आर, क्या आर की वैल्यू एफ के बराबर है, उसको अपन बाद में पुट कर देंगे। ये मेरी पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप कि मैं इस बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ ढूंढ लूं, तो क्या लिखूंगा, 1/f2 - 4/3 - 1 - 1/r - 1/r, ये क्या बचेगा 1/3, यहाँ क्या बचेगा -2/r, तो 1/3 - 2/r, तो क्या जाएगा -2/3r -2/3f, क्या हो जाएगा 1/f2। अब बेटा मुझे एफ नेट निकालना है, 1/f नेट कितना हो जाएगा 1/f1 - 1/f2 + 1/f3, तो कितना जाएगा 1/f -2/3f + 1/f, एलसीएम लो कितना 3f, यहाँ पर क्या बचेगा 3 - 2 + 3 + 6 - 2 = 4, तो क्या है 4/3f। अब बेटा ये तो 1/f नेट है, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो एफ नेट कितना होगा 3f / 4। तो बेटा इस तरीके से मैंने बता दिया, दूसरे तरीके से आप अपने आप ट्राई करेंगे।